देखिए अभी के टाइम पे इंडिया जो है वो श्रीलंका का हर तरीका से मदद कर रहा है, क्योंकि इंडिया जानता है कि आज के टाइम पे अगर श्रीलंका का मदद नहीं करेंगे तो कल दिन जरूरत पड़ने पे श्रीलंका भी हम लोग का मदद नहीं करेगा। इसी के लिए इंडिया ने उसको अभी $500 मिलियन का लोन दिया है ताकि वो तेल खरीद सके। हालांकि तेल, ये शर्त है कि तेल उसको इंडियन जो सप्लायर है उसी से खरीदना होगा, वो कहीं बाहर से नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए फिलहाल वो मान गया क्योंकि वहां पे सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। इसके अलावा इंडिया ने श्रीलंका को करीब 1,00,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी दिया है ताकि वो लोगों का बीच में टेस्ट करवा सके और ये पता कर सके कि कितने लोगों को COVID-19 हुआ है और कितने को नहीं हुआ है। ये सब तो ऐसा मदद हो गया जो इंडिया क्राइसिस के वक्त पे कर रहा है, पर इससे पहले जब वहां क्राइसिस नहीं आया था उस वक्त भी इंडिया ने उसका कोलंबो पोर्ट पर इन्वेस्ट किया था पैसा। हालांकि कोलंबो पोर्ट का एक हिस्सा को वो चाइना को दे दिया, पर इंडिया फिर भी उस कोलंबो पोर्ट में इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट है और इंडिया का भी वहां पे एक बहुत बड़ा एरिया मतलब हक बनता है, जिस कारण कल दिन इंडियन आर्मी चाइना को वहां काउंटर कर सकती है। और इसी से रिलेटेड जो न्यूज आ रहा है वो ये है कि श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अब भारत के एस जयशंकर जी से मिलने आ रहे 6 तारीख से 9 तारीख, यानी आज से लेकर 9 तारीख के बीच में वो यहाँ पे रहेंगे और बैठक और बातचीत करेंगे ताकि हम लोग दोनों देश के बीच में जो स्ट्रेटेजिक टाइज है और किसी तरह से क्रिटिकल सिचुएशन पे कौन देश कैसे रिस्पोंड करेगा इसके एक आइडिया लग जाए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भूटान और नेपाल के साथ, पर श्रीलंका के साथ वैसा नहीं है, इसलिए आज के टाइम पे चाइना कभी भी दोनों को आंख दिखाता है तो ये दोनों तुरंत इंडिया के पास आ जाता है और इंडिया लोगों का हर तरह से मदद करता है। और ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज के टाइम पे जहां पे चाइना पूरा विश्व में अपना प्लेटफॉर्म बना रहा है वहां पे इंडिया को उससे सिक्योर रहने के लिए अपने पड़ोसियों को तो कम से कम अपने साइड कर ही लेना होगा। हाँ, पाकिस्तान के पास छोड़िए, लेकिन नेपाल भूटान ये सब तो इंडिया के साइड में ही है, बांग्लादेश को बस देख लेना है और श्रीलंका को देख लेना, बाकी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि ये लोग साथ रहेंगे तब फिर चाइना इंडिया का बिगाड़ तो तब भी सकेगा लेकिन बहुत कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हालांकि इंडियन आर्मी में भी इतना जान और दम है कि इंडियन आर्मी आराम से चाइना जैसा दो देश को पटक सकती है। इसमें आप मुझे अपना विचार कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और बाय द वे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट लेते